अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। लास्ट व्लॉग मैंने जो अपलोड किया था वो क्रॉकरी का व्लॉग था और वो पार्ट 1 व्लॉग था और ये सेकंड पार्ट है उसका। तो प्लीज़ स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा, लास्ट तक जो है ना वो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो है ना वो बहुत यूनिक स्टाइल की एंड बहुत डिफरेंट क्रॉकरी जो है ना वो आप सबको देखने को मिलेगी। ये 5 रियाल मॉल कितना बिग मॉल बना है, कितने बिग एरिया में बना है, यहाँ पर कितनी वैरायटी है, कितने आइटम है, यहाँ पर कितना कलेक्शन है, मतलब यहाँ पर बहुत कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग। तो वो जो है ना आप सबके साथ में आगे शेयर करने वाली हूँ, तो इसलिए जो है ना वीडियो प्लीज पूरा वॉच करना। 5 रियाल की शॉप जो है ना वो ऐसी होती है कि आप जो है ना वो देखते चले जाएं, बट इनका स्टॉक जो होता है ना वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता है। और आपको जो इनके मोर देन वैरायटी देखने को मिलेगी, मोर देन कलेक्शन देखने को मिलेगा, और चीज़ें जो है ना वो ख़त्म नहीं होती हैं। आप थक जाओगे देखते देखते, बट यहाँ पर जो भी आइटम्स होते हैं ना तो वो ख़त्म नहीं होते हैं देखने के लिए। और हम हाउस वाइफ के लिए जो है ना ये 5 रियाल शॉप जो है ना वो बहुत बेस्ट होती है मेरे अकॉर्डिंग, मुझे तो बहुत बेस्ट लगती है। और मैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक्साइटेड होती है यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बहुत कुछ न्यूली एक्सप्लोर करने को मिलता है, देखने को मिलता है। और मेरा बस यही माइंड होता है कि 5 रियाल शॉप जाना है और जितनी भी वहाँ की क्रॉकरी है ना तो उसको एक्सप्लोर करना है, और जो भी मुझे पसंद आएगा तो मुझे उसकी जो है ना वो शॉपिंग करनी है। और जितना भी ये आपको क्रॉकरी में कलेक्शन दिख रहा है, तो इनका न्यूली कलेक्शन आया हुआ था। ये देखिए इस तरह से ये बाउल था और इस पे जो है ना वो गोल्डन रिंग बना हुआ था, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। और इसमें जो है ना वो आप पूरे डिनर सेट भी बना सकते हैं। यहाँ पर जो है ना वो कुछ क्रॉकरी ऐसे आए हुए थे कि आप उनका जो है ना वो पूरा डिनर सेट बना सकते हैं, मतलब बाउल भी थे उसमें और प्लेटें भी थी उसमें, डिशेस भी थे, मतलब सब भी कुछ था उसमें। आप उसे जो है ना वो परचेजिंग करके आप उसका पूरा डिनर सेट जो है ना वो कंप्लीट कर सकते हैं। और सबसे ब्यूटीफुली मुझे ये हार्ट शेप की प्लेट्स लगी, ये बहुत ब्यूटीफुली लग रही थी, और इसका भी जो है ना वो बहुत सारा कलेक्शन यहाँ पर दिख रहा था। आगे आप लोगों को इस वीडियो में जितनी भी क्रॉकरी दिखेगी तो उसके जो है ना वो पूरे पूरे सेट दिखेंगे, मतलब सिंगल सिंगल है बट आप जो है ना वो उसे पूरा सेट बना सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी लेडीज़ों को मैंने देखा था देखते हुए या परचेजिंग करते हुए, तो वो यही कर रही थी, पूरे सेट बना रही थी, क्योंकि इतनी यूनिक स्टाइल में एंड इतनी ब्यूटीफुली जो है ना यहाँ पर क्रॉकरी आई हुई थी। मैंने फर्स्ट टाइम इतनी प्यारी क्रॉकरी जो है ना मैंने देखी थी। और इस क्रॉकरी सेशन में, इस क्रॉकरी शेल्फ में जितना लॉन्ग ये शेल्फ बना है ना, तो इतना ज़्यादा इसमें रश हो रखा था, इतना ज़्यादा इसमें रश था ना कि वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। बट मैंने कहा नहीं, वीडियो तो बनाना है क्योंकि आप सबके साथ शेयर करना है क्रॉकरी, और इतनी प्यारी अगर क्रॉकरी आई हो तो शेयर करना तो बनता है। तो बस मैंने जो है ना थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके मैंने वीडियो बनाई कि किसी को मेरी वजह से हर्ट ना हो। और मुझे भी यहाँ से क्रॉकरी की शॉपिंग करनी थी क्योंकि इतनी प्यारी यहाँ पर क्रॉकरी आई थी, तो जाहिर बात है ना, तो शॉपिंग करना तो बनता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप वीडियोस बना रहे होते हो और वहाँ पर जो है ना वो बहुत सारा रश होता है। इवन जैसे कि मैं पहले वीकेंड में जाती थी, अभी तो मैं नहीं जाती हूँ, जब पहले मैं वीकेंड में जाती थी तो वीडियोज़ बनाती थी जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी। तो ऐसा होता है कि आपको जो है ना वो बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं कि ये सामने वाला बंदा या बंदी जो है ना वो क्या कर रहा है, क्योंकि आप हर जगह वीडियोस बनाने खड़े हो जाते हो, तो कभी कभी जो है ना वो बड़ा एम्बेरस सा फील होता है कि सामने वाला जो है ना वो घूर घूर के देख रहा होता है कि ये बंदा क्या कर रहा है, ये वीडियो क्यों बना रहा है। सो इधर ये जो है ना ये ब्लैक कलर में बहुत स्मॉल साइज में एंड इनमें जो है ना वो हर तरह के शेप में मुझे दिख रहे थे कुछ इस तरह से। तो ये सर्विंग बाउल्स रखे हुए थे, मतलब ये राउंड शेप में भी थे, स्क्वायर शेप में भी थे, तो ये बड़े प्यारे लग रहे थे एंड ये टोटली जो है ना ये पूरे कांच के थे। क्रॉकरी सेक्शन में जो है ना यहाँ पर इनकी बहुत सारी क्रॉकरी रखी हुई थी, और ये देखिए इस तरह के ये प्रिंट की क्रॉकरी यहाँ पर थी, ब्लैक कलर में थी, और गोल्डन जो है ना वो ये फ्लावर्स बने हुए थे साइड में, तो ये बहुत प्यारी लग रही थी। और सबसे जो है ना मुझे प्यारी ये लगी, ये स्नैक प्रिंट जो होता है ना, मैंने ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखा था। मैंने इतने मॉल्स विजिट करे हैं और मैंने इतने 5 रियाल शॉप विजिट करे हैं, बट मैंने इस तरह का प्रिंट आज तक कभी नहीं देखा जो मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर देखने को मिला। और इस स्नैक प्रिंट में जो है ना वो दो टाइप्स के सिर्फ प्लेट्स ही देखने को मिली थी, बाकी भी जो है ना मैं इस टाइप की क्रॉकरी देख रही थी कि इसमें जो है ना कौन कौन सी क्रॉकरी आई है, डिशेज आए हैं या बाउल्स आए हैं, क्या आए हैं, बट ऐसा कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिला। सिर्फ टू टाइप्स की जो है ना यहाँ पर प्लेट्स देखने को मिली इस स्नैक प्रिंट्स में। जितने भी 5 रियाल शॉप आपको देखने को मिलेंगे अगर आप विजिट करेंगे ना, तो 5 रियाल शॉप में भी जो है ना वो सेल लगी हुई होती है, और बहुत सारे जो आइटम्स होते हैं ना, जो बहुत स्मॉल आइटम होते हैं, तो वो आपको 5 रियाल में 2 मिल रहे होते हैं, या मीडियम जो आइटम्स होते हैं तो वो आपको 5 रियाल में 4 मिल रहे होते हैं। तो इस तरह से जो है ना वो सेल भी लगा देते हैं। बाकी बहुत सारे आइटम्स में जो है ना वो 1 रियाल, 2 रियाल, 3 रियाल इस तरह से जो है ना वो सेल लगा देते हैं, तो ये भी बड़ा शॉकिंग होता है देखने के लिए। और हर 5 रियाल मॉल
में इस तरह की जो है सेल होती है ना, 1 रियाल, 2 रियाल, 3 रियाल में, तो वो बहुत सारे आइटम्स जो है ना वो लगा देते हैं, और बहुत सारे ऐसे आइटम्स जो है ना वो देखने को मिलते हैं यहाँ पर। और 5 रियाल शॉप में ईच एंड एवरीथिंग आपको सब कुछ मिलेगा, और डिस्पोजेबल चीज़ें मिल जाएंगी आपको, मतलब आप जो भी लेना चाहें उसमें आपको सभी कुछ यहाँ पर ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा। बहुत सारी यहाँ पर क्रॉकरी अवेलेबल मिल जाएगी आपको, क्रॉकरी के अलावा आपको क्लीनिंग से रिलेटेड आपको जो भी लेना है आपको वो मिल जाएगा। बाकी बच्चों के कपड़े और बड़ों के कपड़े, शूज़, सैंडल्स, पर्स और ज्वेलरी में, मेकअप में आपको 5 रियाल में सभी कुछ मिल जाएगा। तो 5 रियाल से सस्ता तो कुछ भी नहीं हो सकता है ना, तो यहाँ पर आपको 5 रियाल से सस्ता भी आपको देखने को मिलेगा। आप जब विजिट करोगे, आओगे किसी भी 5 रियाल शॉप में, तो आपको 1 रियाल, 2 रियाल, 3 रियाल इस तरह से आपको सेल ज़रूर मिलेगी। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ। मैं जब भी गई हूँ 5 रियाल शॉप, तो मुझे इस तरह से यहाँ पर सेल ज़रूर मिली है, ज़रूर देखी है। और कुछ आइटम्स जो है ना मैंने यहाँ से कभी नहीं लिए, जैसे कि यहाँ से कपड़े हो गए, शूज़ हो गए, एंड पर्स हो गया, ज्वेलरी में, मेकअप्स में, तो मैंने इस तरह के जो भी आइटम्स हैं तो मैंने कभी नहीं लिए, क्योंकि मुझे उनकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और स्पेशली मेकअप जो होता है ना, तो वो लोकल ब्रांड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। आप जो भी यूज़ करें कम करें, बट अच्छा ब्रांड यूज़ करें। बाकी मैं 5 रियाल शॉप से मोस्टली जितनी भी शॉपिंग करती हूँ तो वो क्रॉकरी की ही शॉपिंग करती हूँ, और क्रॉकरी के अलावा मैं घर की जो भी क्लीनिंग की ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं तो यहाँ से मैं वो ले लेती हूँ। इसके अलावा जो भी मुझे अच्छा लगता है, बस ये होता है कि आपको 5 रियाल शॉप में जो भी चीज़ें होती हैं ना, तो उसको थोड़ा सा अच्छा ढूंढना पड़ता है, मतलब अच्छी चीज़ों को थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, क्योंकि इनका जो कलेक्शन होता है ना, तो वो मोर देन कलेक्शन होता है हर एक आइटम्स में, तो अच्छी चीज़ों को जो है ना वो आपको ढूंढ के बस निकालना पड़ता है। बाकी इन शॉप्स की जो भी क्रॉकरी होती है ना, तो वो बहुत बेस्ट क्रॉकरी होती है। मैं अपना पर्सनल रिव्यू दे रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना यहाँ की क्रॉकरी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए, इनका भी जो है ना ये न्यूली कलेक्शन आया हुआ था, मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह की क्रॉकरी देखी थी। मैंने डिनर सेट में इस तरह की क्रॉकरी देखी है। ये टोटली कांच पर है, और इस तरह से पिंक कलर के फ्लावर बने हैं, गोल्डन कलर के प्रिंट इसमें दिया हुआ है, और इसकी जो कांच है तो वो भी बहुत लाइट वेट कांच थी, और ये डिफरेंट शेप में आपको प्लेट्स नज़र आ रहे होंगे इसमें। तो जितने भी ये इस तरह की क्रॉकरी मैंने देखी है ना, तो मैंने डिनर सेट में ही देखी है, जो कांच के डिनर सेट आते हैं ना, तो उसमें ही मैंने देखी। मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह की क्रॉकरी यहाँ पर मैंने देखी है। बस इसमें भी जो है ना वो डिफरेंट शेप में प्लेटें थी, और ये इनके स्मॉल साइज़ के बाउल लगे हुए थे, और मैं बहुत ढूंढ रही थी कि मुझे इसका पूरा सेट मिल जाए, बट मुझे नहीं मिला। और मुझे इसकी प्लेटें एंड स्मॉल वाले जो बाउल होते हैं मुझे वही मिला, तो मैंने यहाँ से इसको जो है ना परचेज़ किया था। इसके अलावा मुझे एक ये डिज़ाइन एंड ये प्रिंट बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इसका भी न्यूली कलेक्शन आया हुआ था, और मैंने कहा कि उसका नहीं मिल रहा है तो इसका ही पूरा मुझे डिनर सेट मिल जाए, बट इसका भी पूरा डिनर सेट नहीं था, बस बाउल थे, और ये कुछ डिफरेंट शेप में इनकी भी प्लेटें आई हुई थी, बस यही दिख रही थी। और ये जितना भी आपको प्रिंट दिख रहा है ना, तो ये सिल्वर कलर का प्रिंट है और गोल्डन कलर का प्रिंट है, तो ये बड़ा प्यारा लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये। और मैं तो इस तरह की क्रॉकरी देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी, क्योंकि इस तरह की जो भी क्रॉकरी होती है, जो भी प्रिंट्स होते हैं, जितनी लाइट वेट इसकी कांच होती है, तो वो बोन चाइना के डिनर सेट में आपको अवेलेबल मिलती है, देखने को मिलती है, और उनके प्राइजेस भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होते हैं। बाकी जो ये इस तरह के जितने भी कांच के प्लेट्स होते हैं, गोल्डन प्रिंट इस पर बना होता है, तो इनका भी जो है ना वो बहुत कलेक्शन देखने को मिलता है। आप इन्हें गेस्ट के सामने रख सकते हैं, इसमें आप डेट्स एंड नट्स और चॉकलेट्स, आपको जो भी इसमें सर्व करना है तो आप इसे रख सकते हैं, और ये बहुत ब्यूटीफुली लगते हैं टेबल पर। और इनके भी यहाँ पर बहुत डिफरेंट डिज़ाइन थे गोल्डन प्रिंट में, मतलब ये कांच के थे और ऊपर इनका गोल्डन प्रिंट इस तरह से दिया हुआ था, और ये भी इस तरह की जो भी चीज़ें हैं तो ये 5.75 रियाल में ही था। इधर जो है ना वो नॉन स्टिक के बर्तन लगे हुए थे, देखिए इस तरह की ये नॉन स्टिक की कढ़ाई लगी थी, और इसकी क्वालिटी भी जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ऐसा नहीं है कि ये बहुत लाइट वेट था, नहीं, ये थोड़ा सा हैवी था, और मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह से 5.75 रियाल में नॉन स्टिक की कढ़ाई देखी थी। और ये जो है ना वो नॉन स्टिक का पैन लगा हुआ था, ये भी मीडियम साइज़ में था, मतलब बहुत छोटा साइज़ नहीं था, ये बहुत अच्छा साइज़ था। बाकी इधर ये जो है ना बहुत सारी वैरायटी में, डिफरेंट डिज़ाइन में एंड डिफरेंट प्रिंट में कांच की बहुत सारी प्लेटें यहाँ पर रखी हुई थी। बस दिल कर रहा था कि यहाँ से जो है ना वो बहुत सारी प्लेटें उठा लूँ, बहुत सारी क्रॉकरी की शॉपिंग कर लूँ, और अगर मेरा इंडिया होता और इंडिया में इतनी वैरायटी होती और 5.75 रियाल में अगर इतनी सारी चीज़ें मिल रही होती ना, तो मैं बहुत सारी शॉपिंग कर लेती।
बस मसला इतना सा होता है कि शॉपिंग तो इंसान बहुत सारी कर लेता है, और जब वो इंडिया वेकेशन पर जाता है या कहीं वेकेशन पर भी जाता है ना, तो लगेज में बस थोड़ा सा मसला हो जाता है, क्योंकि टिकट पे आपको जितना लगेज मिलता है तो आप उतना ही कैरी कर सकते हो, उससे ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते हो। और ये मैंने थोड़ा सा विजिट करा मॉल का, मैंने कहा आप सबके साथ जो है ना मुझे शेयर करना था। तो देखिए इस तरह से जो है ना ये बहुत सारे आइटम्स लगे हुए थे, मतलब पता नहीं क्या क्या था, मैं पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाई, मुझसे जितना हो सका मैंने एक्सप्लोर किया और मुझे आप सबके साथ शेयर भी करना था। जैसे कि आप सबको इस वीडियो में दिख रहा होगा कि कितना बिग एरिया में ये मॉल बना है, और यहाँ पर कितनी वैरायटी है, कितने आइटम्स हैं, मतलब कितना मोर देन हर एक आइटम्स का कलेक्शन है। तो मुझे जो है ना वो हर एक आइटम्स पर जाकर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं लग रहा था, तो मैंने कुछ इस तरह से जो है ना वो थोड़े थोड़े क्लिप्स मैंने यहाँ पर ले लिए थे। बाकी इधर ये जितने भी फ्रॉक्स लगे हुए थे, कट स्लीव भी थे और स्लीव्स वाले भी फ्रॉक्स यहाँ पर लगे हुए थे, ये 5 रियाल के नहीं थे और इनके प्राइस कुछ 11 रियाल थे, इस तरह से इनके प्राइस यहाँ पर मेंशन थे, मैंने देखे, मैंने टैग इसका देखा था। और यहाँ से मैंने 2 फ्रॉक्स अपने लिए थे, क्योंकि इसका जो मटेरियल था तो वो बहुत सॉफ्ट था, और डिज़ाइन जो थे ना तो उनके मुझे बहुत अच्छे लगे डिज़ाइंस। और ये जितने भी फ्रॉक्स यहाँ पर लगे हुए थे तो ये सारे वेस्टर्न फ्रॉक्स थे, जैसे कि मेरे इंडिया में ही मिलते हैं वेस्टर्न फ्रॉक, और इस तरह के वेस्टर्न फ्रॉक तो जाहिर है ना कि मोस्टली सभी को पसंद होते हैं। तो यहाँ से मैंने 2 फ्रॉक्स बाय किए थे। बाकी इधर ये बहुत सारे कुशन्स लगे हुए थे, बहुत डिफरेंट डिज़ाइन में लगे हुए थे एंड बहुत सारे कलर्स में, ये सारे कुशन यहाँ पर थे 5.75 रियाल में। और ये इस तरह से कुछ सिंगल ब्लैंकेट भी लगे हुए थे, और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, मतलब ऐसा नहीं है कि चीप क्वालिटी थी, बहुत अच्छी क्वालिटी थी 5.75 रियाल में। सो ये थे बहुत डिफरेंट डिज़ाइन में क्रॉकरी के वीडियोज़ जो मुझे आप सबके साथ शेयर करना था। आप सबको इस क्रॉकरी में और इस वीडियो में क्या अच्छा लगा प्लीज़ कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप सो मेरा ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक लाइक तो बनता है, आप लोग वीडियो देख के ऐसे ही निकल जाते हो, एक लाइक भी नहीं करते हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।